अरे अपने आप को संभालो, क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। शिकायत करने गए थे, राजा ने इन सब की आंखें निकाल ली। उन्होंने ये बहुत गलत काम किया है, हम इसकी सजा उन्हें जरूर देंगे। के लिए अन्न की ताकत, अन्न के लिए ये धरती है, इस धरती के लिए ताकत की जरूरत। सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। अरे क्या हुआ, उठो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जोश ज्यादा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो रात को खाना नहीं खाया क्या? नहीं। क्या शोर मचा रखा है? शास्त्री जी और नायक, आप हमसे रोज यही बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए। हमारा परिवार रास्ते पे आ गया है, हम इस राज्य के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग, तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना? हाथ में ना पैसा है ना पेट में भोजन, फिर शक्ति कहाँ से आएगी मालिक? सारे राज्य की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भर के भोजन करते हैं, बताइए कहाँ का न्याय है ये शास्त्री जी? राजा का राजाभिषेक हुआ लेकिन हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और ना ही हमारा पगार बढ़ाया गया है और ना ही कोई सुविधा मिली है। रुक जाओ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग ही खुश रहेंगे तो कैसे चलेगा? जबान बंद करो अपनी, शेर हमेशा शेर रहेगा और गिदड़ हमेशा गिदड़ रहेगा। आपका भला करेंगे तो राजा हमारी आंखें निकाल लेंगे, आखिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें कोई फायदा नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं है, क्या हमारी मेहनत व्यर्थ है शास्त्री जी? अपने आप को शांत कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए आप सब। मेरे सभी साथियों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ राजमहल नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश है। सैनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा की बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक? आप सब हमारे हम कदम है। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा? मेहनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं, वो बड़े लोग। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं खुद आगे बढ़ के राजा से न्याय मांगूंगा। ऐसे नारकीय जीवन से तो बेहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान हैं और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी कोई परवाह नहीं।
लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेनानायक मुदन्ना जी की जय। 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 सैनिकों को कष्ट देने वालों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नायक मुद्दन्ना सैनिकों के साथ मिलके राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। महाराज जी, ये खबर बिल्कुल सच है। जी महाराज। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, कस्तूरी का तिलक लगाने वाले राजा, शेर के जैसे रहने वाले राजा, इस राज्य के पालनहार, सभी धर्मों का हमेशा पालन करने वाले, सभी अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता, वीर नायक, बलशाली बाहुबली, अति शक्तिशाली विश्व विजयी दिग्विजयी। मंत्री जी, मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्दन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले वो बात सामने रखिए। जैसी आज्ञा महाराज। नायक मुद्दन्ना जी, इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है, ये समाचार हमें गुप्तचरों से मिला है। बताइए, क्या ये सत्य है? क्षमा कीजिए, एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महाराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महाराज है ना मुद्दन्ना जी? महाराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसे बेरहमी से मार डालते हैं, तो वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या बदतमीजी है? महाराज को सजा देने का अधिकार है। सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महाराज, दिल में दया भी होनी चाहिए, नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। ए शैतान, जानते हो तुम किसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो? हाँ, मैं शैतान हूं क्या? शांत हो जाइए मुदन्ना जी। इस मटकरी की धरती पर कई पीढ़ियों से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, खजानों की चोरी भी हुई है, यहां पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे, इसमें आपके क्या सैनिकों का कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजा को, किसानों को, व्यापारियों को कहा जाता है उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। आज के युग का सत्य यही है, दंडम दशगुणम भवेत, और हम वही कर रहे हैं महाराज। ए! चुप हो जाओ। मंत्री जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है, इसे मेरी सभा में इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इसे यहां से निकाल देने का आदेश देता हूं, यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अपने सैनिकों की न्याय की बातें करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोझ उतर गया है। इतने वर्षों तक इस राजमहल की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आपका आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज।
अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को। ए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। ए, छोड़ो। यही है सैनिकों की शक्ति। द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो? तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो। ए, छोड़ो मुझे। हमारे मुदन्ना नायक जी को इस राज्य का राजा बनना चाहिए। सही कहा तुमने, उनमें कितनी हिम्मत है। सैनिकों की आंखें निकाली तो उसने राजा को ही जान से मार दिया। ऐसे लोगों की वजह से ही हम सभी सैनिक जीवित हैं। वो पुण्य आत्मा है, वो हमेशा खुश रहे। भाई, आप तो शेर के समान हैं। सबके सामने राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। भाई, सारे सैनिक मिलकर आपको बंदी ना बना ले, ये सोचकर मैं तो डर गया था। मेरे भाइयों के ऊपर हाथ उठाने वाले को मैं कैसे छोड़ देता? भले ही मेरे प्राण चले जाते, लेकिन मैं अपने भाइयों को बचा लेता। भरी सभा में राजा ओवन्ना नायक की हत्या करके सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए खड़ा होने वाला नायक मुदन्ना ने सारे सैनिकों का गौरव और सम्मान प्राप्त किया और उस रिक्त सिंहासन पर राजा का उत्तराधिकारी छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और उस राजमहल में राज्य की रक्षा करने के लिए नायक मुदन्ना ने उस राज्य का प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। हाँ बेटा। माँ बोल। और कितना दूर चलना होगा? बस थोड़ी ही दूर और है, चलते हैं। ठीक है माँ। माँ नहीं। बहन जी। नहीं नाना। बहन जी। बहन जी। आपके यहाँ कुछ काम है तो बताइए ना, मैं कर लूंगी। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। चलो जाओ जाओ, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। बहन जी, कुछ काम है तो बताइए ना बहन जी, बस एक समय का खाना मिल जाए। आपका सारा काम अच्छे से करूंगी मैं बहन जी। जान ना पहचान, ऐसे कैसे रख लूं, कुछ चुरा के ले गई तो। चलो निकलो यहाँ से। माँ, जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाति और गोत्र की ही बात करता है, ये सब क्या होता है माँ? इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं बेटा। आइए माँ जी, यहाँ आइए। भैया, आपके घर में कोई काम है तो बताइए ना। ये मर्दों के रहने की जगह है, औरतों को अंदर आना मना है। है लड़के, हाँ? हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे? हाँ जी। मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंढता हूँ। ठीक है भैया। तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं। नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता। महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। धन्यवाद धन्यवाद।
तुम्हारा नाम क्या है? कनकम्मा, तेरा पति कहाँ है? वो गुजर चुके हैं। गुजर चुके या मार दिया? ऐसा मत कहिए जी। क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो। इस गांव में आवारा लोग बहुत हैं। संभल कर, दिखने में सुंदर और मासूम लगती हो। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ बताओ ना क्या बात है? अकेले होने पर ये दुनिया गलत नजर से देखती है। हर कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। तुम रो मत माँ, मैं तुम्हें किसी के घर काम नहीं करने दूंगा, मैं खुद काम करूंगा। गांव के जो पहलवान जी हैं, उन्होंने अखाड़े में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बहुत बढ़िया। लाओ इसे, मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं। बंद को। गुरुजी। क्या हुआ? ये ना बिना पूछे गदा और सामान छू रहा है। इसे समझाइए ऐसा नहीं करना है। कौन सी जाति का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं। नौकर बनकर आया है, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी। नहीं तो हम लोग इस अखाड़े में आना बंद कर देंगे। हे, सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है इसकी तरह। चुप हो जाओ, सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो। सुनिए आप लोग, चित्रदुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आए हैं। आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं, तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं। गुरुजी, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। ना बारिश है ना काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए, चलो वसूल करो। सुनिए, वर्मा अंदर आओ। माँ ये सब लोग कौन है? माँ मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है? माँ राजमहल कहाँ है? राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? हम मजदूर हैं। चलो अंदर। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुद्दन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। बहुत ही कम उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात मुदन्ना नायक राजा लिंगा नायक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। तत्पश्चात वहां के राजा होते हैं रंगप्पा नायक। ये कहानी उन्हीं के काल की है। सिर्फ दो दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा। सुनिए बंधुओं, राजमहल से संदेशा आया है, इस साल सबको ज्यादा लगान भरना होगा, अनाज भी सबको ज्यादा देना होगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूं।
गुरुजी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हुई। लगान माफ करने के लिए आप पत्र लिखिए ना स्वामी जी। लगान न भर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए ना। ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरफ से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा। प्रणाम गुरुजी। जाइए, चलते हैं, आपका ही सहारा है। चलो चलो चलो। मालिक। hey, लगान क्यों नहीं भरा? इस साल खेती में बहुत नुकसान हुआ है, तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं। तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान माफ कर देंगे? मालिक, पहले चलकर उस गुरु से लगान वसूल करते हैं। मालिक, मालिक, लगान वसूल करने के लिए सैनिक आ रहे हैं मालिक, और गांव वालों के ऊपर वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं मालिक, इस तरफ ही आ रहे हैं वो। गुरुजी, अब हम क्या करें? आने दो, घबराओ मत, उन लोगों को भी प्रसाद ग्रहण करने दो। हाँ। कुछ देकर भेजोगे तो ही वो लोग जाएंगे। ठीक है गुरुजी। आप लोग घबराइए मत, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बेटा इन्हें भी दो, बेटा इन्हें भी दो। यहाँ पर शिव जी की पूजा चल रही है, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना खाने नहीं आए गुरुजी। हम कोई गलत कदम ना उठाए उससे पहले ही सब कुछ लाकर रख दो। मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया, खाने तक का अनाज नहीं मिला है, ऐसे में हम लगान कहाँ से देंगे? खाने के लिए अनाज नहीं है फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरे ना? सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। नहीं नहीं मालिक, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर में हम दोनों ही हैं, हमारे पास जो है उसे लेकर के जाइए, हम दोनों आपके पैर पड़ते हैं। वो ऐसी बात है, पहले इसके घर से अनाज निकालो। नहीं, जरा रुक जाइए, इनका भोजन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं अपने घर का अनाज आपकी गाड़ी में डाल दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए मालिक। बकवास बंद कर बुड्ढे। गुरुजन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें रोकेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा मालिक। ए, सामने से हट। ए, राक्षस, अरे ये क्या कर दिया तूने, जरा भी दया नहीं है तुझमें। शिव शिव, रुक जाओ बेटा, हिंसा मत करो। हमें रोकने वाला तू कौन है? अच्छा, तू यहाँ खाना खाने आया है क्या? महादेव, रक्षा कीजिए। अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप कौन हो बेटा? नायक मुदन्ना का सेनाधिपति। तुम्हारा नायक कोई राजा तो नहीं है ना? जब तुम्हारा नायक ही ठीक नहीं है तो तुम लोग ऐसा करोगे ही। न्याय, नीति, धर्म का पालन करना सीखो। मेरे सामने फालतू की बांसुरी मत बजाओ, हमारे हाथों मरने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरा धीरज धरो, तुम्हारा ये सारा खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हमें क्षमा कर दीजिए, आपके साथ बुरा हुआ, यह स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, चलो चले। सिद्धेश्वर, इस नायक मुदन्ना के अत्याचार की वजह से इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, अब शिव ही कुछ भला करेंगे। ओए साधु, इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुदन्ना कोई राजा नहीं है, तू हमें ही उपदेश सुनाएगा क्या? बंदी बना लो इसे। Ha 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 ha
मालिक मालिक मालिक, इसे देखिए जरा, हमारी हालत बहुत खराब है। ये बताने के बाद भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। मालिक, आपकी बातों का भी मान नहीं रखा। मेरे घर को लूट लिया उन लोगों ने, अब हम क्या करें? उनकी देखभाल के लिए सैनिक हैं, लेकिन इस गुरु का कौन है? क्या उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊंगा? क्या उनसे लड़ने की उम्र है मेरी? हमारे पास सैनिकों से भी ताकतवर लड़के हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? सिर्फ बल से कुछ नहीं होता, लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए। सही कहा, सही कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब लोग एक हो गए ना, तो वो सैनिक मिलकर के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर उनसे लड़ने की ताकत और हिम्मत किस में है, वो आप ही बताइए। वक्त एक सा नहीं रहता, अंधेरे के बाद उजाला आता है, और वो उजाला आने वाला है। उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो धरती भी चीर सकता है। दरिया से मोती निकाल सकता है। दुष्टों का संहार करके कष्ट दूर करेगा। जैसे खंभा फाड़ कर श्री हरि बाहर निकले थे, वैसे ही वो बाहर निकलेगा। हमारे लिए उस दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, वो यहां आने वाला है।
प्रणाम प्रणाम कल्याण करें। बहुत अच्छे वर्मा, तुमने सैनिकों से लड़ने का बहुत ही साहसिक काम किया है। हमारे पहलवान बच्चे सैनिकों को देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं, गांव के लड़के उन्हें देखते ही किसी कोने में छुप जाते हैं, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया है। मर्दों के मर्द हो तुम, शेर हो तुम। आखिर तुम में इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आई बेटा? ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी, ये सब आपकी ही सिखाई हुई शिक्षा है। परंतु वर्मा बेटा, मैंने तो तुम्हें गदा कैसे उठाना है ये भी नहीं सिखाया, मैंने तो तुम्हें कभी गदा छूने तक नहीं दिया और ना ही लड़ना सिखाया। फिर कहे का गुरु हूं मैं? अखाड़े के बच्चों तक ने तुम्हारा अपमान किया। ये सब तो मैं नहीं जानता गुरुजी, लेकिन आप जैसे महान गुरु को सिखाता देखकर मैंने स्वतः बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। आज तक बिना सिखाए सीखने वाला महाभारत में एक लव्य था, लेकिन आज जाना कि एक तुम भी हो। सुनो मेरे भक्त जनों, सिर्फ तुम्हारे गांव के लिए ही नहीं, इस महान राज्य चित्रदुर्ग के लोगों के लिए भी सारे दुखों के बाद खुशी मनाने का समय आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही है। तो क्या ये सब संभव है गुरुजी? यदि शिव पर भरोसा है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, वो पल तुम लोगों को कहकर नहीं आएगा। और वैसे भी तुम लोगों के पास एक महाबली युवक है ना? आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, सैनिकों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, राजा के दरबार में राजा का होना ना होना एक समान है। हाँ गुरुजी, वो राजा हर रोज एक नया नियम बनाता है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। घबराओ मत, तुम सब लोग मिलकर एक हो जाओ, तुम में से कुछ लोग राजा के पास जाओ और उनसे विनती करो, शायद वो ये बातें ना जानते हो, इसलिए उन्हें बताने की कोशिश करो, और अगर फिर भी काम नहीं बनेगा तो बाकी शिव देख लेंगे। जो आ गया। महाराज, कुछ गांव वाले आपसे मिलने आए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं उनसे मिलकर आखिर क्या करूंगा, अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें मुदन्ना जी से मिलवा दीजिए। मैंने ये बात उनसे पहले ही कही, लेकिन वो आपसे ही बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आता हूं। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए कौन है आप सब? कौन है, कहां से हैं, ये बात कैसे कहें आपको महाराज? आपके सैनिकों के अत्याचार से हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अब आपके सैनिकों से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। क्यों, क्या हुआ? अन्न जल पैसा सब कुछ तो है, फिर किस बात की कमी है आपको? महाराज, 2 सालों से बारिश नहीं हुई है, हमारे पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी, ऐसी हालत में हम लगान कहाँ से देंगे महाराज? आपके सैनिक हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज, नायक को हमारी कोई फिक्र नहीं है, बस आपका ही भरोसा है, हमारे लिए आप देवता समान हैं, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, अब आपको ही बचाना होगा, हमें आपको ही बचाना होगा। ठीक है, आपको ही बचाना होगा। इस पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी, आज्ञा दीजिए। महाराज रंगप्पा जी, महाराज रंगप्पा जी, महाराज रंगप्पा जी, महाराज रंगप्पा जी। तुम लोगों का ये जयकारा हमारे प्राण के लिए खतरा है। ये सब क्या है मंत्री जी? नायक इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, मुझे उनसे बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज ने सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह शेर पाल रखे हैं। ये किसी की बात नहीं समझता, सिर्फ मुदन्ना की बात समझता है ये। Yeah.
क्यों भाइयों, सही समय पे लगान ठीक से वसूल हो रहा है या नहीं? जबरदस्ती से वसूली तो हो ही रही है भैया। तुम क्या कहते होते भैया? महाप्रभु, आपको महाराज ने बुलाने के लिए कहा है। कौन है, कौन है मेरा महाराज? हाँ, मैं मान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे महाराज को नहीं, उनके सिंहासन को। हाँ, दोनों एक ही बात है ना जी, छोड़िए ना, महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है, तो आप भी मिलकर आ जाइए ना। जिसे मैंने पाला है, आज उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बुला रहा है। हाँ, आपके धर्म पत्नी होने के नाते अगर आप कोई अधर्म करेंगे तो आपको सही राह दिखाना मेरा धर्म है। महाशिव का भक्त रावण भी धर्म के विरुद्ध जाने पर पराक्रमी होने के बाद भी 10 सर में से एक सर भी नहीं बचा पाया। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोल। पद और अधिकार के मामले में पड़ना जान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। मेरी बात मानिए स्वामी। हाँ भैया, भाभी की बातों में बहुत सच्चाई है। मदन्ना जी, चाहे कुछ भी हो, रंगप्पा महाराज तो राजा के ही भाई हैं। सच कहा ना? है? वो महाराज है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ए, ये मुदन्ना शांत है तो मुद्दू, अगर जाग गया तो मृत्यु। चलाता हूं, मेरे पाले हुए कुत्ते को भूख लगी होगी, है ना? उसे मैं मांस डाल के आता हूँ। सुनिए, इस समय हमारे महाराज बहुत ही असहाय हैं। वो मुदन्ना नायक का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं। वर्मा, तुम ही एक सैन्य टुकड़ी क्यों नहीं तैयार कर लेते? लोगों के साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ो ना, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। जी गुरुजी। माँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? गांव में एक सैनिक की टुकड़ी बनाकर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए सोच रहा हूँ माँ, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि उसकी शुरुआत आपके हाथों से हो। लोगों का भला करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, आप घबराइए मत। मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? एक बहुत जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है मुदन्ना। कर वसूल करने के लिए लोगों पर क्या जोर जबरदस्ती करते हो? दिन ब दिन मुझे खराब व्यवहार की सूचना मिल रही है। देखो, इस तरह जनता का विश्वास हम पर टूट जाएगा। वो सब छोड़ो, अच्छा होगा तुम पहले अपने बारे में सोचो। लगान वसूल करने के लिए क्या लोगों पर अत्याचार करोगे? जनता को सताना ये एक अन्याय है। जनता तुमसे बहुत ज्यादा दुखी है। क्या कर रहे हो ये सब? लगान वसूल कर रहा हूं महाराज, इस राज्य की जनता से नियम के अनुसार लगान वसूल कर रहा हूं। बस करो, कानून का मतलब अत्याचार करना नहीं होता है, रक्षा करना होता है। प्रजा के साथ हो रहे अन्याय को मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच के फैसला लेता हूं। देखा मंत्री जी,
उसके हाव भाव ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अब हमें थोड़ी सावधानी से काम लेना होगा। लगता है कि गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज रात को ही हम महल के कारागार में जाएंगे और मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ मदद मिल जाए। हाँ महाराज, आज की रात ही हमें कारागार में जाकर मंत्री जी से मिलना अति आवश्यक है। उनसे बात करनी ही होगी। अगर ये बात नायक जी को पता चली तो आपके लिए खतरा हो सकता है महाराज। आप सबसे कहिएगा कि हम टहलने गए हैं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। जी महाराज। क्या है ये? धीरे धीरे लगान इतना कम क्यों होता जा रहा है? बोल। क्षमा कीजिए नायक जी, जो कुछ भी आता है उसे ठीक से गिनकर रखना ही मेरा काम है। अब सैनिक और मंत्रीगण पहले जितना धन धान्य और लगान बिल्कुल नहीं लाते हैं स्वामी। क्यों रे दंडनायक, लगान और धन धान्य अनाज क्यों नहीं लाता है? हा? सब कुछ अपने घर ले जाता है क्या? अब मैं आपसे क्या कहूँ नायक जी, लोग हमें जो डर से लाकर देते हैं हम वही आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन लेकिन क्या? लगान, पैसा, अनाज सब अपने आप गायब हो रहा है ऐसी क्या? बात नहीं है, हम लोग जब लगान लेकर आ रहे होते हैं तो कुछ नकाबपोश लोग हम पर हमला कर देते हैं। कौन है रे वो लोग? हमें नहीं पता वो कौन है नायक जी। इसमें जरूर किसी का हाथ है। वो कौन है और कहां रहता है जाके पता करो और मुझे आके सूचित करो। जी भैया। क्या करें भाई, मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं है। अरे भाई उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, अपना मुदन्ना भाई है ना, वो सैनिकों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे, चिंता मत करो तुम। चलो महाराज आप यहाँ? तुम लोग सुरक्षा कैसे करते हो ये देखने आया हूँ। नायक मुदन्ना जी के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता महाराज। वो तो सिर्फ नायक है और ये तुम्हारे महाराज हैं। दरवाजा खोलो। माफ कीजिए गलती हो गई। अंदर मत जाइए। बढ़िया रंगप्पा, आज मेरा पाला हुआ कुत्ता मेरे ही विरुद्ध चाल चल रहा है। मुदन्ना तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? इस मुदन्ना को सजा देने की हिम्मत उस भगवान में भी नहीं है। ए, ये मुदन्ना शांत है तो मुद्दू जाग गया तो मृत्यु। We'll be right back.
कन्हैया जल्दी लाओ, ऊपर रखो, जल्दी सामान भरो, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ए रुको, ये भी ऊपर डालो, जल्दी करो। ए रुको रुको रुको, इसे भी रख लो। क्यों भाई, अभी तक तो लगान देने से रो रहे थे, अब बहुत खुशी खुशी लगान दे रहे हो, क्या बात हो गई बुड्ढे? हमारी हालत से क्या फर्क पड़ता है, हमारे मालिक ठीक रहने चाहिए, हम रहे ना रहे चलता है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है चलो, चलो गाड़ी भाड़ा चलो। जो ये सब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ, जवाब दो। आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है? तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जो भी करना है मुझे ही करना होगा, इस चक्रव्यूह को मुझे ही तोड़ना होगा। सभा सदस्यों, महाराज रंगप्पा जी शिकार खेलने गए थे और खुद जंगली जानवर का शिकार हो गए, ये हमारे लिए दुख की बात है। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए खड़े हो जाइए, अब बैठ जाइए। मृत्यु कब किसे आ जाए ये कौन जानता है, है ना मंत्री जी? सेना नायक जी, आज्ञा दीजिए, ये सिंहासन ऐसे खाली रखना अच्छी बात नहीं है। सैकड़ों सालों से आज तक इस तरह का अपशकुन इस राज्य में कभी नहीं हुआ है, ये दुर्गति का संकेत है। दवैया जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप ही मार्गदर्शन कीजिए। आज्ञा दीजिए नायक जी, राजमहल के खानदान से ही किसी को बिठाना होगा, बस हमें एक बार विचार विमर्श कर लेने दीजिए। तो फिर सुनिए, इस राजमहल से बहुत पहले से जुड़े हमारे मुदन्ना स्वामी जी इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से लायक हैं, ऐसा मेरा मत है। आप सब लोगों की खामोशी से लगता है सबके सब सहमत हो गए हैं। मगर मुझे उस खानदान के बीच में नहीं पड़ना। मैं आज तक जैसा था वैसा ही रहूंगा। सुनिए नायक जी, आप जरा धीरज रखेंगे शास्त्री जी, आपको प्रजा के सामने वो कौन है उनका नाम बताना होगा नायक जी। हाँ जरूर, इस सिंहासन पे बैठने वाला एक नजदीकी रिश्तेदार है, अपने बड़े महाराज सूर्यकांत वर्मा जी का पुत्र श्री सूर्यकांत रंगप्पा महाराज। लेकिन अभी तो आपने सूर्यकांत रंगप्पा जी महाराज मर चुके हैं ऐसा कहा था। जो कहा वो सब सच नहीं होता। ये मेरा नहीं प्रजा का फैसला है, भगवान का फैसला है, और उसे मैं पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। वो सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि महान व्यक्तित्व वाला इंसान है। अरे बाप रे, इतने लोकड़े, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, देखो ना ये लोग मेरे पर क्या डाल रहे हैं। अरे ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते, मुझे जाके कोठी चलना है, राजा बनने वाले हो। नहीं अरे बेटा मेरी बात तो सुन बच्चे, मैं तेरे साथ, देखो कितने लोग खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ चल चल चल
नहीं डरते, मुझे ये दिलवाओ ना, मुझे ये चाहिए। अरे तेरे पास इतनी बड़ी तलवार है, ये क्यों चाहिए तुझे? छोटा है ना। ओह, सब देख रहे हैं। चल थोड़ा मुस्कुरा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चल चल अरे सिंहासन सिंहासन सिंहासन। अरे बेटा क्या कर रहा है? अरे बैठ जा। अरे यहाँ यहाँ चल बैठ जा। अम्मा बैठ जा बैठ बैठ जा। मेरा राजा बेटा, तुझे राजा बनना है ना? मुझे वो दिलवाना, फिर बनूंगा। अरे तुझे सब दिलवाऊंगी मैं, ठीक है? अरे देखो ना वो मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। छोड़ ये सब। गुरुजी, जिन जिन का सामान था उन सबको पूर्ण रूप से लौटा दिया है। जो गांव से लेकर गया था वो सब लौटा कर आया हूँ। बाकी जिन जिन का बचा है उन्हें आप दे दीजिए। ठीक है बेटा, उतारो उतारो, नीचे उतारो उतारो। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से जाना, चलो निकलो, जा जा। हाँ ले जा ले जा। हाँ संभालो संभालो संभालो, चलो चलो चलो। हाँ दो उनको, दो उनको, दो लेकर चलो लेकर चलो। बहुत भारी है, होशियारी से होशियारी से। देखो गिर न जाए। संभाल कर संभाल के संभाल के आराम से आराम से आराम से। देखना भारी है। हाँ रखो ठीक से ठीक से। आराम से आराम से आराम से। इतना वजन लग रहा है, क्या है इसमें? जरा इसे खोलो देखो। हाँ लगान और पैसे नहीं दिए तो सैनिकों ने धमकी दी कि महल में चलकर तुझे दासी बना देंगे। मुझे इसमें डाल के ले जा रहे थे और इतने में आप लोग। आपका गांव कौन सा है? मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप नहीं है, आप मुझे गांव छोड़ेंगे तो वो सैनिक मुझे फिर से उठाकर महल ले जाएंगे। कृपया करके मुझे यहीं रहने दीजिए। सुनो बेटी, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम इनके साथ रह सकती हो बेटी। हमारे साथ? इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपकी भी उम्र हो गई है, घर में रहेगी तो हाथ बटाएगी ना आपका। नहीं है तो अपना चेहरा दिखा दो ना। मैं वो सब कर सकता हूँ सीता, ये तो सिर्फ एक झलक है। लेकिन तुम राजमहल और राजा की तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे जो ठीक लगा वो कह रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे प्यार भी तो है। सुनो, धीरे धीरे अपने सैनिक और गाड़ियां गायब हो रही हैं और साथ में सामान भी। जरूर इसमें किसी की चाल छुपी हुई है। सही कहा भैया, अब हम क्या करें बताइए। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राजमहल में कीड़ा उत्सव करवाना होगा। सब लोग गांव गांव जाकर इसकी सूचना पहुंचा दो। जैसी आपकी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, चित्रदुर्ग के प्रजाओं सुनो, चित्रदुर्ग में क्रीड़ा उत्सव है, उसमें कोई भी भाग ले सकता है। जिसे भी भाग लेना है वो राजमहल आ जाए। सुनो सुनो सुनो। सुना सुना तुमने, क्रीड़ा उत्सव में जीतने वाले को राजा के साथ भोजन और पुरस्कार भी मिलेगा, तुम जाओगे? जाने और लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन हमें सैनिकों ने पहचान लिया तो?
इसलिए तो कहती थी सैनिकों के विरुद्ध लड़ने से अच्छा उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करो। ऐसा मुमकिन है क्या? है मुमकिन। तुम हर एक खेल में हिस्सा लो और फिर पुरस्कार जीतो। तुम और तुम्हारे सभी साथी राजा की शाबाशी लो और विश्वास भी जीतो। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए नायक जी के मन को जीतना जरूरी है। नायक? वो अपने घर का नायक है। तो मुद्दन्ना जी का दिल जीतो। वो बहुत बड़ा राक्षस है। ऐसे लोगों का दिल जीतना जरूरी है। क्यों? अंगुलीमाल का मन बुद्धा ने भी बदला था ना। जो भी सच्चाई से लड़ता है वही जीतता है। क्रीड़ा उत्सव में तुम और तुम्हारे साथी भाग लो और जीतो, बस यही मेरी इच्छा है। तुम जाओगे ना अपने साथियों को लेकर? बोलो ना, जाओगे ना? सारे लोग आ गए हैं, शुरू करें। सुनो सुनो सुनो, इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में सारे नए नए खेलों का आयोजन किया गया है और जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और बाद में जीतेगा उसे हमारे नायक मुद्दन्ना जी राजा के हाथों से खास पुरस्कार दिलवाएंगे। तो सभी प्रतियोगी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और जीत हासिल कर पुरस्कार प्राप्त करें। और अब राजा जी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वो कह रहे हैं खेल शुरू करना है। चल उठ जा बेटा, उठ जा, चल पहा दिखा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं। अब तुझे इन कबूतरों को उड़ाना है। नहीं मां, नहीं नहीं। उड़ाना होगा बेटा, उड़ाते। अरे उड़ाना। उड़ाते बेटा। दवैया। मजा आ रहा है, मजा। सभी लोग सुने, इन चुनौतियों को पार करने के बाद जो भी खंभे में लगी हुई
इस तलवार को निकालेगा वही असली बलशाली आदमी माना जाएगा। उसे पुरस्कार के साथ सम्मान मिलेगा। सुना तुमने वर्मा, जो इन सारी चुनौतियों को पार करेगा वो मुंदन्ना से मिल पाएगा। हम भी सारी चुनौतियों को पार करके उसे अपनी परेशानी बताएंगे। हाँ, मैं इसमें भाग लेता हूँ। नहीं, चुनौती मैंने जीत ली, अब अगली चुनौती जीतनी है। तुम्हें मुझे हिफाजत से घर पहुंचाना है। यहां के लोगों को देखकर ऐसा लगता है यहां कोई आम लोग नहीं है, सारे ताकतवर लोग लग रहे हैं। यहां की सारी चुनौतियों में मैं ही भाग लेकर मुद्दन्ना जी से न्याय मांगूंगा। We'll be right back.
बढ़िया सीतांबे। मुद्दन्ना ने हमारे सभी आदमियों को मार दिया। आज से पहले राजमहल का खजाना कभी कम नहीं हुआ था। इससे चिंतित होकर मुद्दन्ना ने इसके बारे में गहराई से सोचा। गांवों से लाए गए लगान और छीने हुए अनाज को रास्ते में ही लूट लिया जाता था। इसके लिए उसने एक चाल चली और सच का पता लगाया। अगल बगल के गांव में बहुत बलशाली युवक थे, तो उसने एक लड़ाई की प्रतियोगिता करवाकर उसमें खतरनाक खेलों को शामिल किया और गांव से आए हुए युवकों को एक शक्तिशाली इंसान के साथ चुनौती करवाकर उन्हें मरवा दिया। और उसी समय उस लड़ाई प्रतियोगिता के बीच बीजापुर के दिलावर खान के सैनिक राजा की सेना और मुद्दन्ना को मारने में विफल हो गए। उसके बाद नायक मुद्दन्ना ने फैसला किया कि वो दिलावर खान और उसके साम्राज्य को समाप्त कर देगा। भैया भैया भैया, वो वर्मा कहां पर रहता है उसका पता लग गया है। ए, कहां कहां रहता है वो? पास के गांव के अखाड़े में रहता है वो। भैया आप मुझे मौका दीजिए। मैं अभी सैनिकों के साथ जाकर उस वर्मा और उसके सभी दोस्तों का सिर काट दूंगी और आपके चरणों में पेश करूंगी। नहीं बेटी, ये बहुत ही खतरे वाला काम है। अगर इस मामले में कोई अनहोनी हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेटी मुझे एक मौका दो भैया, उस वर्मा और उसके दोस्तों की आज ही छुट्टी कर दूंगा। उन सब का सर काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। उन कमीनों की आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। जाओ तुम। ओ भाई वर्मा, वो सीता हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा दे रही थी। इसीलिए कहते हैं प्यार मौत के समान है, लेकिन सच में उसने गांव में रहकर बहुत बड़ा नाटक किया है। यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुद्दन्ना की गुप्तचर है। इस खेल में भाग लेने के लिए कहकर उसने हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया। वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। ऐसा लग रहा है कि अब हम में से कोई भी राजमहल के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। Thank you.
मजा आया मजा आया, बहुत मजा आया, असली मजा। आ जाओ। तो ही मुदन्ना का असली भाई है छोटे, शाबाश। मुझे लगा मेरा भाई वर्मा का सिर काट के लाया है, लेकिन उसने तो मेरे भाई का ही सर काट के मुझे भेज दिया। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मुदन्ना से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं, इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा इसका जवाब। हाँ, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। ये क्या वर्मा, तुम इतनी बड़ी गलती करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुदन्ना के भाई का सर काट दिया क्या सोचकर? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि सीता मुदन्ना के घर से है तो मैं कभी भी उसे यहाँ रहने के लिए नहीं कहता। ये सब हमारे लिए ठीक नहीं। मैंने तुम्हें सब पहले ही समझाया था ना, लोगों को सिखाऊंगा, सबकी मदद करूंगा कहकर अब खुद की जान खतरे में डाल दी। अब कौन बचाएगा तुम्हें? देखो, लड़ाई की शुरुआत में ऐसा होता है। पहले अब हमें क्या करना है, हमें वो सोचना है और उसके हिसाब से चलना है। मुदन्ना की चाल को वर्मा ने अपने बल से विफल कर दिया है। अब हम सबको एकजुट होकर रहना है। उसके सैनिक कभी भी यहां पर आकर वर्मा को बंदी बना सकते हैं। हमें वर्मा को कहीं छुपाकर उसे बचाना है। ये हमें करना पड़ेगा। जो आज्ञा स्वामी जी। वर्मा, डर के भाग गया क्या, या तुम लोगों ने कहीं छुपा दिया है? मेरी पीठ पीछे चाल चलने वाला कमीना, अब कहां गई तेरी हिम्मत? चल सामने आ। अगर तू सच में हिम्मत वाला मर्द है तो सामने आ बे। सीता, कहाँ जा रहा था? तुझे लगता है तू बच जाएगा? रुक जाओ मुदन्ना।
आप यहाँ वर्मा को सजा देने आए थे मारने के लिए नहीं, इसे राजमहल ले जाकर इसे राजद्रोही कहकर इससे बदनाम नहीं करना चाहते हैं हम, बस सजा देना चाहते हैं। सुनो, हमारे राज्य में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितना भी धन और खजाना लूटा गया है, उनके पीछे इसका हाथ है। आप सब ध्यान से सुने, राजमहल में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं के पीछे इसका हाथ है। इसने हम सभी को धोखा दिया है, इसे माफ नहीं कर सकते। चित्रदुर्ग की सारी प्रजा, मैंने आप लोगों के सामने लाके जिसे खड़ा किया है, यह वर्मा नाम का युवक हमारे राजमहल के विरुद्ध साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। इसने लगान देने वाले लोगों को अपने विरुद्ध करके उन्हें बहकाया है। हमारे बहुत सारे सैनिकों की हत्या की है इसने, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था उसे मार डाला। ये सिर्फ राजद्रोही नहीं, ये समस्त मानव जाति का दुश्मन है, इसलिए इसे जान से मार देने की राजा साहब सजा सुनाए। अरे उठ जाओ, उठ जाओ। जान से मारना है, जान से मारना है। सुन लिया ना, राजा ने आज्ञा दे दिया, आज हम लोग इसे अपने शेर का भोजन बना देंगे। ए वर्मा, तूने हमसे दुश्मनी करके बहुत बड़ी भूल कर ली, अब देख तेरी भूल ही तेरे जान के लिए खतरा बन गई है। मेरे मृत्यु का समय अभी तक आया नहीं है नायक। ए, और ज्यादा समय नहीं है, मेरी आखिरी सांस तक और मेरा आखिरी पल आने तक तेरे ही विरुद्ध इस राज्य के लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। छीन कर खाने वाले कुत्ते, छोटे राजा ओवन्ना रंगधा राजा को मारने वाला तू नायक कहलाने के लायक नहीं है। बकवास बंद कर कमीने, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेहनत करके खाने वाला शरीर है मेरा, तेरी तरह छीन कर ठूसने वाला बेईमान नहीं हूं मैं, समझ गया कमीने? ए मुदन्ना, इस राजमहल की प्रजा के सामने मैं तुझे आगाह करता हूं, दूसरों के स्थान को हथियाने वाले कौरवासुर, मासूम लोगों की हत्या करने वाले रावणासुर और दूसरों का हक छीनने वाले कंसासुर, जब ये सब मारे जा चुके हैं तो तू क्या चीज है? मैं ही मृत्यु हूँ मुदन्ना, शांत है तो मुत्तु, अगर जाग गया तो मृत्यु। इस चित्रदुर्ग राज्य में कदम रखकर
वर्षों से अखाड़े में मेहनत करके, हर मुसीबत का सामना करके, तो जैसे घमंड में रहने वाले घमंडी का घमंड चोर चोर करने के लिए पैदा होकर आया हुआ मर्द की तरह एक हिम्मत वाला शेर हूं मैं। ए, लेके जाओ इस राष्ट्रोही को। इस धरती पर मुझ जैसे हजारों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन आज के बाद इस चित्रदुर्ग में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। सिंहासन हासिल करने का सपना छोड़ दे और अच्छी जिंदगी जीने की आशा कर। इस राजमहल के असली वारिस को ही यह सिंहासन लौटा दे। अगर लौटा देगा तो ही अच्छे से जी पाएगा, नहीं तो लेके जाओ इस राष्ट्रोही को। राज्य की मिट्टी में तेरे जैसे असली हीरे ने जन्म लिया है, यह देखकर इस बूढ़े के अंदर जवानों की जैसी ताकत आ गई है। खतरनाक और खूंखार शेर से एक शूरवीर की तरह अकेले ही लड़कर तुमने उसका काम तमाम कर दिया। अरे वाह, कितनी हिम्मत है, क्या जोश है। मान लिया तुम सच में वीर हो। हर रोज यहाँ पर एक शेर आता था, लेकिन आज सवा शेर आया है। तुम असली शेर हो, इस राज्य के असली शेर। देखना।
वर्मा, क्या है ये सब और तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलिए। हाँ चलो, चलो। भैया भैया भैया, काल कोठरी से वर्मा भाग गया है भैया, और उसके साथ राज्य के मंत्री जी और काल कोठरी में बंद राजा, उन दोनों को वो भगा ले गया है भैया। इतना ही नहीं, हमारे शेर को भी उसने मार दिया। चुप हो जा कमीने, तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। उसे जान से मारना छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग के चला आया। तेरे जैसे कायर लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। अरे देवर जी, क्या हुआ? अरे, आप इंसान है कि नहीं? ये आपका छोटा भाई है ना, अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये किस बात का अपना है? अगर उससे लड़के आया होता तो इसे अपने सर पे बैठा था, लेकिन ये तो डर के अपनी जान बचा के भाग आया। आप इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। देवर जी, चलिए। देवर जी, अपने आप को संभालिए। रुक जाइए वहीं पर। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसे जाकर मार के आऊंगा। किसी की जान लेने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गलती तो वो कर रहा है ना, उसे ही भुगतना चाहिए। लेकिन तुम लोग सब सही होना फिर क्यों भुगत रहे हो? आपके छोटे भाई तो नहीं रहे, मंजिले भाई मौत से लड़ रहे हैं, और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम सबको ही अपना बेटा मानती थी। तुम्हारा भाई वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस बस करो, तुमने आज तक जो किया बस हो गया। आप कुछ भी कहो, मैं अब बिना लड़े चुप नहीं बैठ सकता, मुझे माफ कीजिए। इंसान होकर भी जानवर जैसा बर्ताव मत करो, और कितने मासूम लोगों की जान लोगे तुम? क्यों इतना लालच पाल रखा है तुमने? तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई है? तुम्हारे इन पापों की वजह से मेरे गर्भ में कभी कोई बच्चा नहीं ठहर पाया। सिर्फ बीज बोने से कुछ नहीं होता, धरती के मिट्टी में भी क्षमता होनी चाहिए पतिव्रता। हाँ दुष्ट, हर एक इंसान की पत्नी पतिव्रता ही होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, वो सभी पतिव्रता ही थी, और उनकी वजह से उनका राज्य भी बड़ा और उनका सपना भी पूरा हुआ। तो अब तू मुझे ज्ञान सिखाने आई हुई है, हाँ? तेरी तो मैं ना, मुझे पतिव्रता बन के रहना है, ना ही मुझे रानी बन के रहना है, इसीलिए मैंने फैसला किया है। आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा,
और मैं सच बोलकर ही रहूंगी। आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं। प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए आप। आपके अंत का समय दूर नहीं है। तेरे पतिव्रता का गुण अब सामने आ गया। ए, बोल कुलक्षिणी, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी तो तुझे अपने साथ रख के क्या फायदा। तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से ये यहां कैसे? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुदन्ना जी तो हमारे नायक हैं। उस महान इंसान की धर्मपत्नी आत्महत्या कर रही थी। हमारे नायक जी का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता। नहीं, मेरी इस हालत का कारण भी वही है। यह आप क्या कह रही हैं? हमारे जैसे कितनों पर प्राण निछावर करने वाले भगवान हैं वो? वो भगवान नहीं है, राक्षस है। राक्षस है। तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। अगर सच जानते होते तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते। लेकिन माँ, राजमहल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वह उनका साथ देते हैं और राजा का सामना करते हैं। सबके सामने राक्षसों को मारने वाले पराक्रमी है वो। उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। उसने जो भी किया अपने लिए और अपने फायदे के लिए किया। और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बनकर रहूंगा मैं? आपकी बातें सो आना सच है नायक जी। मणिकरी के राजा आदित्य के युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देकर आपने उनके ऊपर जो उपकार किया, शायद वो राजा उसे भूल गए हैं। मणिकरी के राजा को उपकार नहीं भूलना चाहिए था। उनके पुत्रों को छोड़कर देखिए तो उनके छोटे भाई सरजे नायक को राज्य सौंप देने के बदले वो सब भूल कर ओवन्ना नायक को राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। सरजे राजा के बच्चे लिंगन्ना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिलेगा तो उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूँ। सच में नायक जी? नायक जी, ओवन्ना राजा को सिंहासन देने के वक्त जो सैनिकों को देना चाहिए था वो सब भूल गए। इन बातों की वजह से सैनिकों के मन में राजा के प्रति द्वेष है। इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो देवैया, तुम कुछ सैनिकों को राजा के पास न्याय मांगने के लिए भेजवा दो। ओवन्ना राजा के पास न्याय मांगने के लिए जो गए, उनकी आंखें निकलवा कर उन्हें बंदी बना लो और राजा के खिलाफ उन्हें भड़का दो। राजा के विरुद्ध सारे सैनिक होने चाहिए। इसका मतलब? आंखें निकालने वाला भी मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुदन्ना की अगुवाई में सैनिकों को न्याय मिलेगा, विश्वास दिलाओ। सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा और मेरा साथ सैनिक भी देंगे, तब वो ओवन्ना राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुझे राजमहल प्राप्त होगा। हाँ,
उस धोखेबाज ने इतने दिनों तक नाटक करके सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं राजमहल के लोगों के साथ भी छल किया है। उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। उस नायक मुदन्ना जैसे नरपिशाच को, लोगों की बलि चढ़ाने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। वो जहां पर भी मिले उसे तुरंत बंदी बना लो। राजमहल से धोखा करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है, नहीं छोड़ना चाहिए। वो राजमहल के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे बंदी बना लो। जाओ प्रभु, प्रभु, प्रभु। बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, इसी क्षण हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए। मुझ पे मुसीबत आएगी? इस मुदन्ना को कौन मुसीबत में डालेगा? हाँ प्रभु, सारे सैनिक आपके विरुद्ध हो गए हैं। आपकी सारी सच्चाई सैनिकों को पता लग गई। वो गुस्से में आपको ही ढूंढने के लिए निकले हैं। आइए चलिए मालिक। सैनिकों से मैं बात करूंगा, वो लोग मेरी बात मानेंगे। वो नहीं सुनेंगे। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं आया तो देखिए। देखो, सभी जगह देखो, जाओ। इसे भी बंदी बना लो। दंडनायक जी, मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले। वो नरपिशाच मुदन्ना भागना नहीं चाहिए। वो कहीं भी है उसे पकड़ लो। महल की प्रजा के सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देंगे। ले चलो इसे। ले चलो। बेटा, बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। बहन जी, आप कौन है? बोलिए बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं कन्नकम्मा हूँ। क्या कहा, कन्नकम्मा? मतलब हमारे राजमहल के छोटे राजा की धर्मपत्नी हैं आप? ये मेरा बेटा वर्मा है। ये सब क्या है मां? महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गांव में ऐसे हालत में रह रही हैं, ये सब कैसे हुआ माँ? आपकी इस परिस्थिति का कारण कौन है माँ, बताइए कौन है? मुदन्ना नायक ने भारी सभा में सबकी आंखों के सामने राजा ओवन्ना जी का सर काट दिया। मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खानदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे। सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज ना उठाए, इसलिए राजमहल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया। वो सब उनकी बुरी किस्मत थी। मंत्री जी, उसी समय मैंने अपने पति को भी खो दिया। महाराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेष, अपनी भाषा सब बदल कर सारे गांव घूमते हुए इस छोटे से गांव में आ गई। मैं और मेरा बेटा अपने अतीत को भुलाकर इस गांव में आकर बस गए। मंत्री जी, आप राजा के खानदान से हैं, ये जाने बिना ही हमने ना जाने क्या क्या कह दिया आपसे। हमें क्षमा कीजिएगा। वर्मा जी, आप इतने बड़े खानदान से हैं, पता नहीं था। अनजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। आप सबने हमें जीने की उम्मीद दी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूंगा। वो सब तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना होगा। महाभारत में कौरवों की संख्या 100 के ऊपर थी, श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसीलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी।
इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरे मन में था वो आपने कह दिया महाराज। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। याद रहे, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन हम लड़ेंगे मंत्री जी। सिर्फ आवेश में आने से कोई फायदा नहीं होगा वर्मा। हमें कुछ भी करके मुदन्ना के सैनिकों को अपने पक्ष में करना ही होगा। पर सैनिक हमारे पक्ष में क्यों आएंगे? वो क्या है महाराज? मंत्री जी, तुम कौन हो बेटी? वर्मा, उस दिन जो लड़की संदेश लेकर आई थी वो यही है। मतलब हमारे बारे में संदेश तुम्हें पहुंचाया था? हमसे जो कहा गया था हमने वही किया। अब वो मुसीबत में है, कृपया करके उन्हें बचा लीजिए, दया कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। प्रणाम मंत्री जी, सीता बेटी कहाँ है? मुदन्ना की चालों में फंसे हुए लोगों में से एक मुनि महल की राजकुमारी सीता भी है। चित्रदुर्ग महल में रानी बनाने का सपना दिखाकर सीता को अपना गुप्तचर बनाया उस नायक मुदन्ना ने। लेकिन मुदन्ना की पत्नी ने सबको मुदन्ना की सच्चाई बताकर उन्होंने वर्मा और उसके दोस्तों की हत्या होने से बचा लिया, और इसके लिए उन्होंने खजाना गृह में अपनी दासी के हाथों संदेश पहुंचाया। उसके बाद विलई चोट गांव में जब मुदन्ना अपने सैनिकों के साथ गया तो कनकम्मा और वर्मा की मुदन्ना से जान बचाने वाली सीता ही थी। मुदन्ना के साथ रहकर उसके चालों को नाकाम करने वाली सीता ही थी। ऐसा क्यों बेटी? मुनि महल की राजकुमारी होकर भी आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? बचपन से ही मुझे वो महल बहुत पसंद था। उस वक्त मैं ना समझ थी, कुछ नहीं जानती थी। आप लोगों का साथ मिला तो समझ में आया कि सच क्या है। इससे पहले कि वो मुदन्ना राजमहल से भाग जाए, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। चलो सब लोग। हाँ, यहाँ आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए यहाँ। डर? मुझे किस बात का डर है? परंतु दिल को आराम नहीं मिल रहा। कुछ भी करके यहाँ से निकलना है। चित्रदुर्ग महल में दुश्मन या सैनिकों को होने दो, चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध हो जाए, सबसे पहले उनके साथ रहने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बनाना है मुझे। शेर के जैसा हूं मैं, किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला यह मुदन्ना। सुना है भाइयों, मुदन्ना राजमहल से भाग गया, ऐसी खबर है। सच कह रहे हो भाई, हर जगह यही बात चल रही है। सारे गांव वाले डरे हुए हैं, उन्हें लगता है पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा। कल सुबह वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिता में हरप्पन के लोगों के साथ मिलकर खेल के मैदान में ही झगड़ा हो गया था। कल क्रीड़ा उत्सव फिर से होने वाला है और कल वहाँ पर युद्ध भी होगा। बाकी सब कुछ तो नागेश्वरी देवी को ही पता है। Oh!
Oh!